गुड आफ्टरनून, मैं माधवी मिश्रा, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किशोरावस्था के बारे में चर्चा किया था, किशोरावस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो आज हम लोग जो है किशोरावस्था में शिक्षा का क्या शुरू होना चाहिए, यानी किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इस अवस्था में जो बच्चे में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से बच्चे में परिवर्तन होने शुरू होता है। और किशोरावस्था में जो है विकास संबंधी भी जो बालक में परिवर्तन होते हैं, यह सबसे कठिन काल है और जीवन का सबसे नाजुक समय भी है। इसी अवस्था में बच्चे जो है उचित अनुचित अच्छे बुरे सामाजिक असामाजिक गुण जो है उसमें विकसित होते हैं। अगर वो परिश्रमी है, शिष्ट है, सामाजिक है, तो क्या है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे को उचित मार्गदर्शन की तरफ ले जाए, उनका उचित रूप से मार्गदर्शन करें, क्योंकि इसलिए किशोरों को जो है भावी जीवन के निर्माण में किसकी माता पिता अभिभावक शिक्षक का कर्तव्य है कि वे उनके लिए उपयुक्त और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। अतः किशोरावस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए जो है शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के लिए शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो किशोरावस्था में बालक की शिक्षा के लिए उसकी शिक्षा में किस प्रकार जो है शिक्षा देनी चाहिए, यानी किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, किशोरावस्था जो है बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बालक को जो है क्या है, स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन, संतुलित आहार, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और खेल कूद का प्रबंधन भी करना आवश्यक है। किशोरों के शारीरिक गति के विकास के लिए विद्यालयों में खेल कूद प्रतियोगिता, फुटबॉल, हॉकी और कसरत आदि व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या है उनका शारीरिक विकास अच्छे से होगा और बच्चे की जो है स्कूल में जो है शिक्षा वो अच्छे से प्राप्त करेंगे, उनके स्वास्थ्य का जो है विकास भी अच्छे तरह से होगा। तो स्कूल में शिक्षकों को चाहिए कि जो है वो स्कूलों में बच्चों के लिए, विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, उनके शारीरिक विकास के लिए जो है उचित खेल कूद व्यायाम की व्यवस्था करें। फिर अगला है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास या सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा में जो है उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों के मानसिक विकास के लिए शिक्षा में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों में इसी अवस्था में तर्क शक्ति की क्षमता उत्पन्न होती है, उनमें जो है किसी चीज को अवलोकन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, चिंतन शक्ति उत्पन्न होती है और उनकी रुचियों तथा रुझानों में जो है और योग्यताओं के जो है परिवर्तन आते रहते हैं। वो किसी चीज में रुचि लेते हैं और किसी चीज में जिनमें उनकी रुचि होती है उसमें रुचि लेते हैं, और नहीं तो उनमें जिसमें उनकी क्षमता नहीं होती करने की उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किशोरों की मानसिक क्षमता के लिए क्या करें, मानसिक क्षमता के विकास के लिए, क्योंकि उनमें चिंतन शक्ति स्मरण शक्ति तीव्र होती है, तो उसके अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार हम शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक क्या है स्थानों का भ्रमण करवाना चाहिए। जैसे कि अगर प्राकृतिक स्थानों पर जाएंगे, देखेंगे, उसके बारे में अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो उससे उनमें क्या है कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होगा। और ये भी चाहिए विद्यालय में कि बच्चों के लिए, किशोरावस्था में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता साहित्यिक चीजों के लिए लाइब्रेरी में और पाठ्यसागामी क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा में उचित मानसिक विकास हो सके। फिर अगला है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। संवेगात्मक विकास यानी कि संवेगात्मक बालक जो है क्या है, ये पैट्रिक ने कहा है कि यह नाजुक समय होता है बच्चे का जीवन का, किशोरावस्था सबसे कठिन समय होता है, सबसे नाजुक समय होता है। तो विरोध की अवस्था है, इसमें बच्चे बहुत ही जल्दी इस अवस्था में संवेगिक हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत उथल पुथल में होते हैं, संघर्ष करते हैं, इसलिए उनको क्या है सही कर्तव्य करने में कठिनाई भी अनुभव कभी कभी वो करते हैं। अतः
उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि उनके संवेगों का दमन हो जाए, और उनको संवेगों का दमन होगा तो उनमें उत्तम संवेगों का विकास हो। इसके लिए उनमें साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो है जागृत करना चाहिए। नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी जो है उन्हें उचित पर्यावरण प्रदान करना चाहिए, और तथा वीर पूजा की भावना उनमें अधिक होती है। जैसे कि विशेषताएं में हमने बताया था कि उनमें वीर पूजा की भावना सबसे प्रबल होती है। वो जो है किसी को अपना आदर्श मानते हैं, किसी को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं आदर्शों की प्रवृत्ति को जो है चरित्र और में जो है उनके अस्थाई भाव का निर्माण करना चाहिए। उनको किसी को आदर्श मानकर वो चले और उन्हीं महापुरुषों की जीवनियां तथा साहित्य पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन में आदर्श भाव प्रस्तुत कर सके। इसलिए बच्चों के बच्चे जो है किशोरावस्था में ज्यादा संवेगी होते हैं। माता पिता कुछ और करते हैं और बच्चे कुछ और करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर अगला है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में बालक सामाजिक भी होता है, वो अपने साथियों के साथ रहना पसंद करता है, समूह का नेतृत्व करना पसंद करता है। तो शिक्षा का एक मुख्य कर्तव्य है कि बालक में जो है क्या है सामाजिक भावना का विकास करे, और इस तरह से वो अपने वातावरण में भी समायोजन कर सकेंगे। जब उन्हें जो है हमें समाज में किस क्या है एक दूसरे से मिलने के लिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए जो है कहेंगे, तो इस तरह से बच्चे में सामाजिक विकास होगा। क्योंकि सामाजिक विकास में शिक्षा का स्वरूप जो है अच्छे आचरण, सामूहिक खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे में सामूहिक व्यवहार करने की नैतिकता का बल देना चाहिए, यानी उनमें नेतृत्व करने की और सहानुभूति और सहयोग करने की क्षमता विकसित हो। वो खेलकूद के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इस तरह से जो है उनमें सामाजिक भावना का विकास होगा। फिर अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। व्यक्तिगत हर व्यक्ति की जो है अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं। इसलिए किशोरावस्था में जो है क्या है किशोरों में क्या है शिक्षा के लिए विद्यालय में उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी उन जो पाठ्यक्रम हो वो बालक की रुचियों के अनुसार हो। जब बालक और बालिकाओं की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम होगा तो क्या है उनका उसमें जो है रुचि बढ़ेगी उनकी, और वो उसी के अनुसार अपने पाठ्य विषय का चुनाव करेंगे। जब अपने पाठ्य विषय का चुनाव, यानी उन्हें व्यवसायिक और शैक्षिक निर्देशन भी प्रदान करते रहना चाहिए। उन्हें निर्देशन प्रदान करना चाहिए कि किस विषय में, जिसके विषय में उसकी रुचि होगी वो उन विषय का चुनाव करेंगे। इसलिए किशोर और किशोरियों को क्या है व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देने के लिए उनकी रुचियों और आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार जो है पाठ्य विषय वो चुनेंगे, और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसलिए जो है बालक में किशोरावस्था में बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर अगला धार्मिक और नैतिक शिक्षा। बालक जो है किशोरावस्था में ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने लगता है, इसलिए उसे धार्मिक चीजों से संबंधित भी शिक्षा देनी चाहिए। और जब धार्मिक और नैतिक आचरण को हम प्रस्तुत करेंगे, उसके सामने अच्छे आदर्श व्यवहार करेंगे, तो उन्हें वह आचरण भी उन्हें भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिए रॉस ने कहा है कि नैतिक चरित्र का उच्चतम विकास करने के लिए क्या है बालक को के व्यवहार में सामाजिक प्रशंसा नहीं बल्कि उन्हें निर्देशित करना चाहिए कि किशोर जो है उचित और अनुचित का अंतर कर सके, और इस तरह से वह विद्यालय में उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नैतिकता से संबंधित अध्ययन कराना चाहिए कि धार्मिक चीजें जो है कैसी होती है, उसमें सामाजिक प्रकार से जो है कैसे वो भाग लेंगे। इस तरह से बच्चों को विद्यालय में धार्मिक और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। अगला है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। बालक को जो है विद्यालय में किशोरावस्था में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, क्योंकि उनमें निरीक्षण शक्ति जो है ज्यादा प्रबल होती है। यानी बच्चा जो है किशोरावस्था में निरीक्षण और तर्क और विचार द्वारा जो है बहुत सारी चीजों को सीखता है, उनमें चिंतन करने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक होती है। इसलिए किशोरावस्था में परंपरागत विधियों से शिक्षा न देकर के जो है उनमें क्या है उनमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनको जो है संतुष्टि प्राप्त हो, उन्हें अच्छी शिक्षण विधियों से शिक्षा प्रदान की जाए। तो रॉस ने कहा है कि उन्हें उन विषयों, उन व्यवहारिक विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन में, दैनिक जीवन में क्या है प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ उठा सके। उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी उनकी शिक्षण विधियाँ जो है व्यवहारिक हो। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हस्त
होगा, उनमें खुद के कौशल विकसित होंगे और वो जो है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जो है क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और अपने जीवन में जो है वो कुछ ना कुछ करते रहे। फिर लास्ट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। किशोरावस्था में शिक्षा के लिए जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के कारण किशोरावस्था में हर समय बालक जो है किसी न किसी समस्या से ग्रसित होता है, ये उलझनपूर्ण स्थिति में रहता है, उसे हर समय कठिनाइयों का महसूस होती है। उसका समाधान करने के लिए जो है माता पिता को क्या चाहिए, बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में किशोर जो है क्या करते हैं, गलत कार्य कर देते हैं और वो बंधनों में, वो बड़ों के बंधनों में नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए किशोरों के साथ माता पिता अभिभावकों और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे और उन्हें हर जगह रोकेंगे नहीं तो क्या है, और इस तरह से वो अपने कार्यों को अच्छे तरीके से, बस उन्हें निर्देशन अच्छे तरीके से क्या है देना चाहिए कि ये कार्य सही है, इसको आप करिए। उन्हें कुछ चीज़ों के लिए स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और उनको बंधनों में नहीं रखना चाहिए, इसलिए जो है उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग दूसरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे।